ये हमारे बल्लू भाई है, ये मुझे 10-15 साल से जानते हैं और ये अक्सर मेरी तारीफ करते रहते हैं कि सेठ आप जैसा आदमी सबको मिले। मगर मेरी ये सोच है बल्लू को, मैं बताता हूँ हमेशा कि ये हम दूसरों की औरतों पे क्या नजर डाले, है ना। कुछ मर्द होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ औरतें भी होती हैं, तो कुछ मर्द होते हैं जो अपने बच्चे और दूसरों की बीवी उनको ज्यादा प्यारी लगती है। तो उस पे एक यह है कहावत है कि दूर से पहाड़ जो है बहुत हरा भरा लगता है, बहुत हरा भरा लगता है, मगर जब उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, जब उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो एकदम मतलब बौखलाहट हो जाती है कि ये दूर से तो अच्छा लग रहा था और अब चढ़ने की कोशिश कर रहे तो चढ़ नहीं पा रहे। तो उसी तरीके से जिनको अपने बच्चे और दूसरों की बीवी प्यारी लगती है, उन्होंने ये दिमाग में सोच लेना चाहिए, उनकी जहन में ये बात फिट कर लेना चाहिए कि मतलब ये सोच तुम्हारी बदल दो कि अपनी बच्ची, अपने बच्चे और अपनी बीवी ही प्यारी है और उसी के साथ साथ निभाओ। ये अगर मर्द भी सोचता है तो औरतों ने भी ये सोच लेना चाहिए कि अपने बच्चे और अपना शोहर ही अपने लिए प्यारा है। तो शोहर की नाफरमानी मत करो कि शोहर के साथ ऐसा कुछ ना करो कि शोहर कुछ कदम उठाने जाए या शोहर कुछ अलग कदम उठाने जाए, ऐसी नौबत ही मत लाने दो। औरतों ने भी ये सोच लेना चाहिए। और ज्यादातर देखा जाए तो जिनकी सोच होती है वो होती है, वो उनकी सोच पे रहने दीजिए, उसकी अच्छाई या बुराई या उसकी दौलत शोहरत देख के उसमें पिघलो मत, उसके ऊपर ये मत करो, अपना मतलब ऐसा मौका ही मत दो। एक मदद अलग चीज होती है मगर एक अफेयर एक अलग चीज होती है। तो उससे क्या होता है कि मतलब दो घर बर्बाद होने के किनार पे आ जाता है, एक घर नहीं दो घर बर्बाद की तरफ, एक मर्द या एक औरत की वजह से।